This is the non-confirming Parsi and you're listening to Banmaska Season 2. Untold Parsi stories of a Parsi by a Parsi for the world to listen. To chalo, shuru kariye. Episode 5. वो पिछला एपिसोड का थोड़ा रिपीट मारता है। बारक्या सपोर्ट में फरीद उनके पास आके खड़ा हो जाता है। झांगो बारक्या के सपोर्ट के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। वो सब रोहन जायसवाल के सामने लगान के भुवन की टीम की तरह खड़े हो जाते हैं। रोहन जायसवाल हारे हुए अंग्रेज ऑफिसर की तरह निकल जाता है। उसके पीछे उसके असिस्टेंट्स भी। शीला घूम कर वापस आती है और हल्लू से बोलती है, थैंक यू फॉर द टी सर, इट वॉज रियली नाइस। दूसरे दो असिस्टेंट इशारे से कहते हैं कि जॉय बढ़िया थी। उसी दिन देमावन विला में कुछ घंटों बाद फरीदुन बड़ा ही अपसेट है रोहन जायसवाल की बिहेवियर से। दूसरी ओर चिन्मय और शिरिन तो मोकेम्बो की तरह बहुत खुश है। चिन्मय एकदम फुल हैप्पी में, टीचर महिला 25 करोड़। सिरिन भी एकदम फुल सपोर्ट में, घेऊन टाक पप्पा। चिन्मय ले लो सू लई लो कप्पल तरफ आपनु परवर देगार कई रस्तो कहर से गाथाना दिवस चाले ज बद्धा फरिश्ताओ आपरी साथे छे पप्पा भी हसे। चिन्मय सिरिन से पूछता है, गाथा मंजे? सिरिन एक्सप्लेन करती है, ते तमारे में होता है ना पेलू गुजरी गयला मानसो नु सो पेलू तमे करो। बारक्या बीच में बोल पड़ता है, श्राद्ध पक्ष? हाँ तेवुज, अमेरे में हम लोग क्या करता है यानी वो ऐसे अग्यारी में वास के अंडर फूल डाल के बनाने को रखता है, जो बेस्टी हो गया है ना उसका नाम से। चिन्मय इतले जो जे गुजरी गयला हो ने उसका नाम से। चिन्मय कुछ याद करते हुए बोलता है, वाज में फूल डाल के। चिन्मय और फरीदुन परेल की पतली अंधेरी गलियों से गुजरते हुए एक डिमली लिट रूम में पहुंचते हैं। फरीदुन टेबल पर लाइन में रखे फ्लावर से भरे मेटल वाजेस को देखता है और उन पर लिखे नामों को सॉफ्टली पढ़ने की कोशिश कर रहे है। साम उड़वाड़िया, तभी पीछे से एक भारी भरकम आवाज आती है, सनोबर हटेली की। सनोबर हटेली परेल की पहली पारसी डॉन, परेल की क्या मैं तो बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड की। सनोबर हटेली का बैक स्टोरी बताने का हिम्मत आप उनको तो नहीं हो रही है, वो खुद ही बता देगी। पर एक बात मैं बता दूं, सनोबर हटेली को एक आदत है, बोले तो बोलते बोलते रुक जाती है और अपने आईब्रोज के इशारे से डायलॉग के कुछ शब्द सामने वाले को रिपीट करने को बोलती है। सुनिए कैसे। साम उड़वाड़िया बाइलो सालो मराफुई ना डिकरा नी यजदी बाइक ना साइलेंसर मा केरू घुसाड़ी ने भागी गयो। हटेली के आईब्रोज हटे, पर फरीदुन अभी नया है ना तो उसे हटेली की इस हटेली आदत का मालूम नहीं है। वो चिन्मय को देखता है, चिन्मय झट से बोलता है, भागी गयो? फरीदुन सनोबर हटेली को देखकर, भागी गयो? सनोबर हटेली कंटिन्यू करती है, तो मैं साला ने बालाराम स्ट्रीट नी पासे यानी पलटन साथे उचक्यो ने बोची थी पकड़ी ने टेबल पर रखे भाकरे को चूर चूर करते हुए बचरी कारियो। हटेली के आईब्रोज फिर हटे, फरीदुन फिर से चिन्मय को देखता है, चिन्मय इशारे से फरीदुन को खुद गैस करने को बोलता है, फरीदुन भचड़ी कारियो। चिन्मय खुशी से सर हिलाता है, फरीदुन अगले वास पे लिखे नाम को देखता है। सनोबर हटेली वास पर लिखे नाम का इंट्रो देती है, फरोख इलाविया सालो मारी सगी बेननी साथे लव मा परियो ने काम काज करीने छोड़ी दी दी, अंधेरी अग्यारीनी भर पकड़ियो रखिया भुसारी ने जे हाथे सलाये मारी बेन ने हाथ लगावेलो तेज हाथ। सनोबर फरीदुन को पेंसिल देती है तोड़ने के लिए, पर फरीदुन इस बार चिन्मय को नहीं देखता और पेंसिल तोड़ने की कोशिश करता है। तोड़ी पर उससे पेंसिल नहीं टूटती। सनोबर हटेली पेंसिल फरीदुन के हाथ से छीन कर एक झटके में तोड़ देती है। तोड़ी दी दो, फरीदुन डरते हुए चिन्मय से पूछता है, तोड़ी दी दो? चिन्मय खाली मुंडी हिलाता है। फरीदुन अगले वास की ओर देखता है, तभी सनोबर हटेली बोलती है, बद्धनो इंट्रो आपू। फरीदुन को हटेली का सरकैज़म समझ में नहीं आता है, नहीं तेमा तो आखो दिवस निकली जैसे डिकरा ने, आई डोंट हैव मच टाइम। सनोबर हटेली एकदम बौखला के पूछती है, सु बोलियो? आई डोंट हैव मच टाइम।
नहीं तेनी पहले से बोली आखो दिवस निकली जैसे नहीं तेना पछी दिकरा सनोबर हटेली एकदम इमोशनल होके आजे 35 वर्ष पछी मने कोई दिकरा कहियो मारो सग्गो बाप टेंटन खोपड़ी कोई दिवस साला घिल सॉरी कोई दिवस ए मानसे मने दिकरो नथी कहियो टपका भी दीदो सु पो पो पोती का बाप ने नहीं गणपतराव वाघमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवरोज पर धंधर पार्टियो खाता था एम आंगला चाटी चाटी ने ठोकी दीदो वेरी सॉरी टू हियर दैट सारू थयो टपकी गयो छोकरी जातनी किम्मत ज नहीं होती है डिकरो 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 तमारा मोने थी समझियो ने सारू लागू पप्पा फरेदुन चिन्मय को देख के पप्पा चिन्मय फरेदुन को देख के पप्पा सनोबर हटेली दोनों को देख के बोली सकुच ने पप्पा सिरिन और चिन्मय के घर उसी दिन चिन्मय यहां से वहां पूरे रूम के चक्कर लगा रहा है सिरिन कुर्सी पर बैठे बैठे बोलती है पप्पा इकला पड़ी गया है झांगू भी बिचारो फली होते तो चिन्मय सडनली रुक कर बोलता है अणि तू मुसु करी सकुच हेच असं तुझ्या म्हाताराने तुला विचारलं असता तर जेव्हा तुला माझ्याशी लग्न करायचा होता तेव्हा मित्र काय आई वडील काय सर्वांनी साथ सोडला माझा पण तुझ्या म्हाताराने तुझ्या साथ सोडला नाही हे लक्षात ठेव आणि तेव्हा पण सोडला नव्हता सिरिन कन्फ्यूजन से भरी आंखों से चिन्मय की ओर देख रही है वो किस वक्त की बात कर रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है चिन्मय उसे याद दिलाता है काय भक्तो का है तुझा सर्व फ्लैशबैक मला माहित है तुला आठवण असेल मी जेव्हा पहिल्यांदा तुझा पप्पाला भेटायला आलो होतो सिरिन झट से बोलती है हाँ तमे हैंगिंग गार्डन वॉक पर गेला साथे वॉक भी काय नाही हे ग्रँड रोड स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 4 बेंचवर बसलो होतो आम्ही सिरिन एकदम सरप्राईज ने चिन्मय मला वाटला म्हातारा मला चालत्या गाडीचा खालती धकेलणार के काय चल सिरिन दोघे बसून तुझा फ्लॅशबॅक बघूया 1982 देमावन विला रात्रीचा टाइम छोटी सिरिन अचानक नींद से घबराकर जाग उठती उतरेन मधी पड़ी गई जरूर उसे संभालने की कोशिश कर रही है सिरिन एकदम डरी हुई पन मम्मा वो रोड क्रॉस करस तो मालो एक्सीडेंट थई गयो तो जरूर समझ नहीं पा रही है कि सिरिन के साथ आखिर हो क्या रहा है फरेदुन को देखती है सिरिन फरेदुन को पप्पा नहीं वो नहीं जा बस बाहर मने पेलो छोकरो मने कही करी नाक्षे तो सिरिन अचानक से बेड पर से उठकर जरथुस्त्र के फोटो के पास जाकर कुछ बड़बड़ाने लगती है शायद नींद में देखा हुआ पूरा सपना रिपीट कर रही है फरेदुन और जरू दोनों लाचारी से एक दूसरे को देख रहे हैं कुछ देर बाद डॉक्टर बाटली वाला अपना बैग पैक करके दूसरे रूम में आता है जरू डॉक्टर से एना पैनिक अटैक्स तो वत्ता चाहिए डॉक्टर डोंट वरी पाक परवर देगार पर भरोसो राखो बड्डू सारू थसे અહીં તમે પેલું પંચગનીનું ઇન્સિડન્ટ કહ્યું ને બસ ત્યારથી એને ઢસતી બેસી ગઈ જ પણ ફરેડું તમે બી કમાલ કરો છો મમ્મી વહેલીમાં પડી ગયા એવું જોક કરાય એટલે ભલે મનમાં આપણે કંઈ બી વિચારીએ પણ એમ કંઈ બચ્ચાઓની સામે જોક કરવાનો હોય ડૉક્ટર ફરેદુન કો ધમકાતે હુએ બોલતા હૈ ફરેદુન એમ્બેરેસમેન્ટ મેં અપના સર ઝુકાતા હૈ ચાલો હવે એ બધું જવા દેવો नाउ जस्ट बी विथ हर ने हिम्मत आपो इन्हें विश्वास अपाओ के एवरीबडी इज सेफ एंड दैट शी इज वेरी ब्रेव गर्ल डॉक्टर बाटली वाला के जाने के बाद फरेदुन सिरिन के सर पर हाथ फिरते हुए बोलता है समटाइम्स लाइफ गिव्स यू अनटोल्ड चैलेंजेस एंड यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू फेस देम सिरिन एट टाइम्स योर राइटियसनेस में ऑल्सो बी पुट टू टेस्ट झांगू बीच में बोलता है ऊंचे प्रोटेक्ट करस जरूर झांगू की बात सुनकर स्माइल कर रही है सिरिन को आगे बोलती है मैंने तेरा पप्पा ये पन घनू जोयो गुड टाइम्स भी ने बैड टाइम्स भी पन हमें हिम्मत नहीं हारी
Shirin, when it shall be the right time, you shall also be called to use your valor. Tare amari kani tu bhi himmat na harti. Ne ame himmat hari jaiye, to amune himmat apje. Tu fali ne maro jangu. Mara amar akbar ne Anthony. Fare dunbi. Hamesha yaad rakje Shirin. Fight a battle like a battle. People may forget who won or lost, but they never forget how you fought the battle. Shirin flashback में खोई हुई है. अचानक से चिन्मय की आवाज उसके कानों पर पहुंचती है. Flashback संभला Shirin. Shirin अपने फैमिली एल्बम में से कुछ ब्लैक एंड व्हाइट और कुछ कलर वाले फोटो देख रहे लिए. उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसने कैसे फरीदुन को अकेले छोड़ दिया अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए. चिन्मय उसका हाथ थामकर उसे विश्वास दिलाता है कि पप्पा का साथ निभाने में वो उसके साथ है. अगले दिन सुबह सुबह जहांगीर कैफे के बाहर फरीदुन कैफे का शटर खोलने ही वाला होता है कि Shirin का हाथ उसके हाथ पर. फरीदुन चिन्मय को आंखों के इशारे से पूछता है. चिन्मय ऐसे जताता है जैसे कि उसे कुछ नहीं पता. फरीदुन Shirin से पूछता है, अरे Shirin, सवारना पूर्मा इतनी जल्दी? तू नहीं पप्पा, लेट थई गयू थोड़ू, पन अवे नहीं. Shirin फरीदुन को बड़ी इमोशनल होके बोलती है. दोनों साथ मिलकर जहांगीर कैफे का शटर खोलते हैं. फरीदुन खुशी खुशी, आओ आओ अंदर आओ Shirin. चिन्मय तू भी आओ. Shirin जहांगीर कैफे में अपना दाया पैर रखकर एंट्री मारती है. कैश काउंटर पर खड़ी होकर कैफे के एक एक कोने को देखती है. उसे एक एक कोने में छिपा अपना बचपन साफ नजर आ रहा है. फरीदुन हर रोज की तरह दीवा बत्ती करता है. Shirin फरीदुन से कहती है, हूँ आज थी संभालस काउंटर ने मने कोई ना बाप नी बीक नथी हवे पेला जयसवाल ने काले नी माए बेने करी नाखसू. फरीदुन की आंखें पूरी भर गई है. वो Shirin का हाथ पकड़कर चिन्मय को देखता है. फरीदुन को एहसास है कि इस चेंज में चिन्मय का हाथ भी है. चिन्मय दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है. जॉन अंकल कैफे में आते हैं. छगन किचन में से आकर Shirin को इतने साल बाद कैफे में देखकर दंग रह जाता है, पर खुश भी बहुत है. फरीदुन बड़े प्राउडली, जोयू के जॉन छगन आपरी Shirin. चिन्मय मोबाइल निकालते हुए कहता है, ए Shirin चालनी सेल्फी लिए गे उन टाक चिन्मय. Shirin फॉर्म में बोलती है. चिन्मय सेल्फी ले रहा है. Shirin काउंटर के अंदर है. फरीदुन अपना हाथ Shirin के कंधों पर प्यार से रखता है. छगन और जॉन अंकल सेल्फी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. जहांगीर कैफे में उसी दिन दोपहर को Shirin काउंटर संभाले हुए है. जॉन अंकल किचन के एक कोने से Shirin को देख रहे ले. Shirin भी उन्हें नोटिस करती है. जॉन अंकल देख रहा है कि Shirin कैसे कैश कलेक्ट कर रहे लिए और छुट्टा दे रहे लिए बिल्कुल फरीदुन का स्टाइल में. जॉन अंकल दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं. दोनों की आंखें भर आती है. Shirin को लगता है कि जॉन अंकल उससे और भी कुछ कहना चाह रहे हैं. उसी शाम जॉन अंकल Shirin के पास आकर, गुड गुड यू कम फरीदुन सेठ वेरी अलोन working from time of his father Jahangir Seth we grow big sathe sathe our full life go in cafe old time very good Paulson butter when you small you like raspberry you tell John uncle berry berry only I understand you want raspberry. Shirin को जॉन अंकल की आंखों में छोटी सी Shirin रास्बेरी पीती हुई दिख रही है. जॉन अंकल आज भी छिपाकर एक रास्बेरी की बोतल Shirin के लिए लाए हैं. Shirin बड़े चाव से रास्बेरी पी रही है. पीते पीते मुस्कुरा भी रही है और डुसके डुसके रो भी रही है. डुसके डुसके बोले तो फूट फूट कर. ये लोग का जबान ही इतना मीठा है ना, जबान पर चढ़ ही जाता है. एक दिन बाद दिनकर काले जहांगीर कैफे में घुस आता है अपना वही दो हेंचमैन के साथ. बाबा जी, तेरे को सिंपल में बताया समझा नहीं क्या? जयसवाल का लड़के के साथ बहुत कॉमेडी सीन किया तू, अब तेरा साथ थोड़ा ट्रेजेडी भी करना पड़ेगा. क्या टाइमिंग है जयसवाल का भी,
नवरोज के दिन तेरे को हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट मिलेगा 25 करोड़ का। ये तेरा कबाड़ खाने के लिए बहुत है। फरीदुन उसकी आंखों में देखकर बोलता है, मैं नहीं साइन करेगा। दिनकर काले गुस्से से, क्या क्या बोला? सिरिन बीच में, वो बोला नहीं साइन करेगा, तुम्हारे से जो होता है कर लो। दिनकर काले सिरिन को फुल इग्नोर मार के, पारसी बोल के रिस्पेक्ट किया तेरा, अब तू गया, यू गॉन। दिनकर काले जिस डोर से बाहर जाता है उसी डोर से इंस्पेक्टर सुले एंट्री मारता है म्युनिसिपल ऑफिसर्स और कांस्टेबल के साथ। कांस्टेबल्स और म्युनिसिपल ऑफिसर्स कैफे की तलाशी लेने लगते हैं इंस्पेक्टर सुले फरीदुन को। क्या बाबा जी, ये क्या दारू का धंधा कब से चालू किया? फरीदुन परेशान होकर पूछता है, दारू? सर, बियर का लाइसेंस था मेरे पास, पर वो तो हमने बेचती मिसेस गांधी का इमरजेंसी के टाइम से ही बेचने का बंद कर दिया। इंस्पेक्टर सुले का हुलपट्टी चालू है। क्या बाबा, मैं तो सुना तुम पारसी लोग कभी झूठ नहीं बोलता है, बिना परमिट के चाय के साथ विस्की और रम बेचना चालू किया तू? सुले साहब, कुछ मिस्टेक हो रहा है आपसे। पूरे जहांगीर कैफे में छानबीन चालू है। जॉन अंकल, छगन और दूसरे सब वेटर एकदम रिलैक्स में लग रहे हैं। कैफे से कुछ भी नहीं मिलता। इंस्पेक्टर बाहर जाकर कार में बैठे काले भाऊ को रिपोर्ट करता है। काले सरप्राइज है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। सिरिन और बाकी के सब लोग एकदम बिना का स्माइल में। फरीदुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और सब स्माइल क्यों कर रहे हैं। सिरिन उसका डाउट क्लियर करता है। आई काले भाव नी आइडिया हती, सवारे पहला रासबेरी जिंजर नी डिलीवरी हती, तेमा सालाओए विस्की ने रम नी बाटलीओ घुसावी दीदी। फरीदुन एकदम शॉक में। चिन्मय ऐड करता है, तेतर बर झालं की इंस्पेक्टर जिमी का नाम लेते ही डेविल की तरह इंस्पेक्टर जिमी एंट्री मारता है। पर अब जिमी डेविल नहीं रहा। जिमी आजा, जिमी आजा। अगले एपिसोड में सुनते रहने का। आपुन का माफिक अगर फरीदुन का स्टोरी तेरे को भी अच्छा लगे ला है तो शेयर करने का रे। कुछ बोलने का है आपुन को या फीडबैक देने का है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट का हैंडल दिए लेना आपुन पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन में। बिंदास बोलने का, दिल में नहीं रखने का क्या? और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड सुनने का, भूलने का नहीं।